हेलो एवरीबॉडी यार, आज की वीडियो में तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कॉलेज रिव्यू ऑफ GNIOT नोएडा के बारे में। तो यार बहुत टाइम से मैं बहुत सारे कॉलेज रिव्यू ला रहा था, तो यार मैंने सोचा अब थोड़ा यार नोएडा और दिल्ली के कॉलेजेस को हम कवर करते हैं। तो अब जो यार कॉलेजेस आएंगे ना, वो कुछ कुछ नोएडा दिल्ली के साइड के होंगे, क्योंकि यार उस साइड जाना काफ़ी लोग पसंद करते हैं। तो अभी जो मुझे कॉलेज मिला है वो GNIOT नोएडा मिला है, ठीक है। तो मैंने सोचा यार इसका एक कॉलेज रिव्यू करता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ यार कैसा कॉलेज है, क्योंकि मुझे इसकी फीस वगैरह सही लगी, ठीक है। तो इसका रिव्यू करेंगे, पहले अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। तो यार चैनल पर नए हो तो मैं बता देता हूँ, मेरा नाम है रचित त्रिपाठी, मैं हूँ एक बीटेक थर्ड ईयर स्टूडेंट एट पंतनगर यूनिवर्सिटी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार ये देखो, ये है तुम्हारा GNIOT नोएडा का कैंपस, ठीक है। तो यार कैंपस मुझे काफ़ी सही लगा, मतलब डिसेंट कैंपस है नोएडा के हिसाब से। यहाँ पे देखो जैगवार खड़ी है तुम्हारी बढ़िया सी, ठीक है। और यार थोड़ा स्टार्ट्स एंड एस्टैब्लिशमेंट की बात कर लें, तो यार 2001 में ये एस्टैब्लिश हो गया था। तो ऐसा नहीं है कि बहुत नया कॉलेज है, कॉलेज यार तुम्हें अच्छा खासा पुराना देखने को मिलेगा। इंस्टीट्यूट टाइप की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज रहने वाला है। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से इसका एफिलिएशन है। और फंडिंग पैटर्न की बात करें तो फाउंड बाय श्री राम एजुकेशनल ट्रस्ट नोएडा ऑन नॉन प्रॉफिट बेसिस, ठीक है, ऑन नो प्रॉफिट बेसिस, ठीक है। तो ये है। बाकी कैंपस एरिया यार मुझे काफ़ी छोटा लगा, इसका 18 एकड़ का ही कैंपस है, तो कैंपस एरिया थोड़ा छोटा है, बट ठीक है यार, प्राइवेट कॉलेजेस के यार इतने ही होते हैं, ठीक है, 25-30 एकड़ होते हैं, तो इसका 18 एकड़ है। बाकी कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं कि अगर तुम्हें यहाँ पे पहुँचना है, तुम यहाँ पे एडमिशन ले रहे हो, तो आसपास कनेक्टिविटी कैसी है? तो अगर तुम हवाई जहाज से आ रहे हो या एयरपोर्ट से आ रहे हो, ठीक है, तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो 54.6 किलोमीटर दूर तुम्हें देखने को मिलेगा। मेट्रो से आ रहे हो तो मेट्रो स्टेशन पास है, तो ये काफी अच्छी चीज हो जाती है, मेट्रो स्टेशन पास होना चाहिए, तो 6.6 किलोमीटर दूर पे तुम्हें मेट्रो स्टेशन देखने को मिलेगा। अगर बस से आ रहे हो ना, तो बस स्टॉप दादरी मेन रोड तिलपट्टा विलेज ग्रेटर नोएडा इस 12 किलोमीटर, तो 12 किलोमीटर दूर बस स्टेशन भी है। तो यार कनेक्टिविटी के मामले में ये दोनों चीज़ें तो काफ़ी पास हैं, तो यार कनेक्टिविटी के मामले में ये तुम्हें ठीक ठाक देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि अगर तुम्हें यहाँ एडमिशन लेना है तो क्या एलिजिबिलिटी चाहिए और क्या मोड ऑफ एडमिशन रहेगा, ठीक है। तो 10+2 विथ फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री बायो टेक बायोलॉजी, ठीक है, वोकेशनल कोर्सेज विद 45% और 40% फॉर SC ST। तो ये मैंने यार वेबसाइट से तुम्हारा निकाला एग्जैक्ट डेटा, तो यार वही तुम्हें 45% चाहिए, ठीक है, इतनी तो यार तुम्हारी होगी डेफिनेटली। बाकी यहाँ सीट अलॉटमेंट UPSEE काउंसलिंग से होती है, ठीक है, तो ये एक चीज़ है देखने वाली, ये चीज़ हमेशा देख लो, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सारी काउंसलिंग यार तुम्हारी नॉर्मल एक ही काउंसलिंग से होगी, तो ऐसा नहीं होता यार। उत्तराखंड के कॉलेजेस में UTU चल रही है, ठीक है, यहाँ UPSEE की चल रही है, बाकी तुम्हारा JEE में अलग काउंसलिंग चलती है, तो काउंसलिंग यार अलग अलग हो सकती है, इसको यार अपना ध्यान में रख लेना। तो यहाँ अगर एडमिशन लेना है तो इस वाली काउंसलिंग से तुम्हें आना पड़ेगा, बाकी स्कॉलरशिप विस्कॉलरशिप भी तुम्हें थोड़ी बहुत देखने को मिल जाएंगी। और यार एडमिशन क्वेरी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से तुम लोग देख सकते हो। अब बात करें यार भैया कोर्सेज और ब्रांचेस कौन से इस कॉलेज में, तो यार कोर्सेज ब्रांचेस तो मुझे देखने को मिले बहुत सारे, BTech कंप्यूटर साइंस भी है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग IoT थिंग्स पे भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग पे भी है, ठीक है। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूं, इन्हीं को लेना, ठीक है, इन्हीं को लेना, इनके नीचे वाली यार थोड़ी सी अवॉइड करना, क्योंकि मैं नहीं कहूँगा यार तुम मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले रहे हो, वो भी एक प्राइवेट कॉलेज में, या तो तुम एक बहुत अच्छे कॉलेज में लो अगर तुम्हारा पैशन ही है, ठीक है, कुछ इसरो में जाना है, ठीक है, DRDO में जाना है, साइंटिस्ट बनना है, तब जाना। बट अगर तुम जॉब के परस्पेक्टिव से देख रहे हो ना, तो कंप्यूटर साइंस वाली ब्रांचेस ले लेना, जॉब तो ईजिली लग जाएगी एटलीस्ट, तो ये सही रहती है, ठीक है। तो जॉब के परस्पेक्टिव से देख रहे हो तो कंप्यूटर साइंस वाली ब्रांचेस ही मैं अपनी तरफ से तुम्हें प्रेफर करूंगा, ठीक है। और बाकी यार BBA BCA BCom वाले तुम्हें कोर्सेज भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और पोस्ट ग्रेजुएशन में यार तुम्हें मैनेजमेंट वाली कोर्सेज भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि भैया हम बीटेक करना चाह रहे हैं, यहाँ पे फीस कितनी होगी, ठीक है। फीस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है जब प्राइवेट कॉलेजेस की बात आती है, तो इस प्राइवेट कॉलेज की यार फीस इतनी ज़्यादा नहीं है, ये मुझे थोड़ा सही लगा, ठीक है। तो अराउंड यार तुम्हारी 1.5 लाख है, ठीक है, 1.5 लाख है पर ईयर की फीस, ठीक है, इसमें हॉस्टल इंक्लूड नहीं है, तो अगर तुम इसको मल्टीप्लाई कर लोगे 4 से, तो अप्रॉक्सीमेटली यार 6 लाख रुपये में तुम्हारा बीटेक हो जाएगा, ठीक है। 6 लाख रुपए में अगर बीटेक हो रहा है, तो यार मुझे नहीं लगता ये बहुत ज़्यादा है, तो 6 लाख रुपए एक डिसेंट अमाउंट होता है बीटेक के लिए। इसमें यार हॉस्टल इंक्लूड नहीं है। अब तुम देख सकते हो यहाँ पे तुम्हें PG का ऑप्शन भी मिल जाएगा, अगर तुम PG देखना चाह रहे हो तो यार PG देख सकते हो आसपास, बाकी मुझे DM कर देना PG VG के बारे में अगर जानकारी चाहिए तुम्हें, तो वरना हॉस्टल अभी मैं बता दूंगा, ठीक है। ट्रैवल लोकेशन नियर बाय की बात करें तो यू कैन गो टू मॉल वाटर पार्क एक्सेट्रा, तो मॉल वाटर पार्क एक्सेट्रा ये तो तुम्हें मिल जाएंगे। बाकी नोएडा यार नोएडा में ट्रैवल की तुम्हें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। प्लेसमेंट एंड पैकेजेस की बात करें तो 5.75 LPA का तुम्हें एवरेज पैकेज देखने को मिलेगा, हाईएस्ट तो यार 70 LPA कोट कर रहे हैं, बट हाँ मैं तुम्हें कहूंगा एवरेज यार तुम वही एक्सपेक्ट करना, ठीक है, 5-6, थोड़े अच्छे हो पढ़ाई में तो 7-8 लग जाएगा तुम्हारा, ये वाला थोड़ा मुश्किल होता है। बाकी बाद में यार तुम्हें पता है अगर तुम कंप्यूटर साइंस में हो तो जंप तुम्हारे स्किल्स के बेसिस पे होते रहता है, ठीक है, तो ये देख सकते हो यार तुम्हारा वहीं से मैंने निकाल रखी है इनकी वेबसाइट से। बाकी मेजर रिक्रूटर्स की बात करें कि भैया कंपनी कौन कौन सी आ रही है, तो कंपनी यार सारी आ रही है, यहाँ पे मैंने देखा तो अच्छी अच्छी कंपनीज आ रही है, ठीक है, एक्सेंचर आती है हर जगह, तो ये भी आ रही है, HDFC बैंक आ रहा है, ठीक है, अमेरिकन एक्सप्रेस आ रही है, गोदरेज आ रही है, तो ये सारी कंपनीज यहाँ पे आ रही है, ठीक है।
ठीक है, तो कंपनीज की कोई दिक्कत नहीं है, कंपनीज यहाँ पे आते रहेंगी, ठीक है। तुम्हें करना है अच्छे से मेहनत करनी है, और अपने चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो यार, काफी मेहनत लगती है सब बनाने में, ठीक है। थोड़ा सा यार गला, ठीक है, समझ रहे हो, बोलते बोलते तो ये पानी की जरूरत थी। बाकी फैसिलिटीज एंड फेस की बात करें तो यार यहाँ पे तुम्हें जितनी फैसिलिटी तुम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कॉलेज से वो सारी देखने को मिलेंगी। लेक्चर हॉल, लाइब्रेरी और यार कंप्यूटर लैब, कैफेटेरिया, स्पोर्ट्स कैंपस, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, हॉस्टल, मेडिकल, सब देखने को मिलेगा। ये कुछ फोटोज डाल दिए मैंने, तो यार ये देखो ये कंप्यूटर लैब टाइप की है इनकी, बाकी थोड़ी बहुत स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, और ये इनकी कैंटीन वगैरह, ठीक है। तो फोटोज मैंने यहाँ पे डाल दिए ताकि तुम्हें अच्छे से समझ आए। बाकी थोड़ा बहुत यार फेस टू फेस की फोटो मैंने डालने की कोशिश करी, तो ये यार फेस टू फेस की फोटो है, तो इसको भी एक बार गो थ्रू कर लो, ठीक है। अब बात करें यार हॉस्टल एंड मेस फैसिलिटी की, तो अगर तुम्हें हॉस्टल लेना ही है ना, तो ये इनके हॉस्टल के चार्जेस हैं। अब इसमें मेस भी इंक्लूडेड है, ठीक है, फूडिंग इंक्लूडेड है। तो थ्री सीटर रूम ले रहे हो तो 1.26 लाख है, और टू सीटर में थोड़ी सी तुम्हें फीस ज़्यादा मिल जाएगी। मैं कहूँगा यार टू सीटर ले लो, ठीक है, क्योंकि फीस का डिफरेंस उतना ज़्यादा नहीं है। तो अगर टू सीटर लोगे ना तो बेनिफिट थोड़ा बहुत तुम्हें रहेगा, बाकी 35,000 यार एक्स्ट्रा तुम्हें देने पड़ेंगे अगर एसी रूम चाहिए। बाकी नोएडा में गर्मी होती है भाई, तो देख लेना, अगर तुम्हारा कूलर से काम चल जा रहा है तो कूलर वाला ले लेना, वरना एसी वाला ले लेना। वरना मैं तो तुम्हें कहूँगा यार थर्ड फोर्थ ईयर से अगर तुम पीजी वीजी भी लेते हो ना तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि यार लोग मैं देखा है जो नोएडा में पढ़ते हैं ज़्यादातर यार थर्ड फोर्थ ईयर में पीजी या फ्लैट लेते हैं। तो अपना यार अच्छा एक सर्कल बना लेना, ठीक है, 3-4 दोस्तों का जो बढ़िया आप कॉम्पिटेटिव कोडिंग वगैरह कुछ करते हो, और अपना एक फ्लैट ले लेना, ठीक है। तो ये यार फोटोज वोटोज मैंने कुछ डाल रखी हैं। फाइनल वर्डिक्ट की बात करते हैं, जैसा हर प्राइवेट कॉलेज का सीन है, इसका भी वही है कि अगर तुम्हें आईआईटी एनआईटी नहीं मिल रहा है, कोर ब्रांच नहीं लेना चाहते हो, ठीक है, और तुम्हें चाहिए कि ड्रॉप भी नहीं लेना है, और लो रैंक पे कोई प्राइवेट कॉलेज चाहिए जहाँ पे तुम्हें डिसेंट प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल जाए, और नोएडा में कॉलेज चाह रहे हो तो तुम इस कॉलेज की तरफ डेफिनेटली देख सकते हो। लोकेशन अच्छी है, फीस भी यार मुझे डिसेंट लगने को मिली। तो यार यही था इस कॉलेज के लिए। तुम मुझे बताओ कि नोएडा में तुम्हें और कौन से कॉलेज के बारे में चाहिए। जेपी वाला एक आता है यार तुम्हारा कॉलेज, वो काफी पॉपुलर है नोएडा में, तो उसकी अगर वीडियो बनानी है तो मुझे बता देना, उसकी वीडियो भी यार मैं बना दूंगा। बाकी ये मेरे सोशल मीडिया लिंक्स हैं, यहाँ पे मुझे फॉलो कर लो, ठीक है। सब्सक्राइब तो तुमने करा होगा तभी तुम इस वीडियो तक पहुंचे हो, और लाइक वाइक कर देना, 100 लाइक का टारगेट रखेंगे इस वीडियो पे। और यार किस कॉलेज पे वीडियो चाहिए ना ये तुम लोग मुझे बताओ, क्योंकि जैसे हिसाब से तुम लोग बनाओगे उस हिसाब से अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो तुम्हारे लिए भी अच्छा रहेगा और मेरे लिए भी अच्छा रहेगा। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।